स्मेलिंग थ्रू इंटाइग्रिटी सच्चाई से खुशबू लेना ओके आई ऑल एक्साइटेड सो देर आर गुड स्मेल एंड देर आर गुड स्मेल एंड जब वो कचरे का जो डब्बा जाता है ना उसके पीछे कभी गाड़ी लेके नहीं जाना आ, उसमें वो तो एकदम पैक होके वो वी मे फॉर आर गवर्नमेंट विल ब्रिंग गुड कचरे का डब्बा तो जाने के टाइम पे पीछे जो गाड़ी रहती है बास नहीं आने के लिए वो क्यों होता है मुझे मालूम नहीं हाँ गुड स्मेल गुड स्मेल जब किसी के घर में अच्छा खाना पकता है especially, especially जो अच्छा खाना बनाने वाले लोगों के घर पे कुछ लोग खाली बोलते हैं मेरे घर में अच्छा खाना बनता खाना बनता है मगर असली में उधर बगल में जाएगा तो किसी और का बगल का खुशबू आता बोलते है कुछ लोग नाम के थे जस्ट <laughs> आप लोगों को पता चल गया होगा है ना ना अभी अभी, अभी 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 तुम लोग मत सोचो कौन है गुड स्मेल इज कॉल्ड गुड स्मेल इज कॉल्ड एंड द बेड स्मेल इज कॉल्ड स्टिंक अरोमा हम लोग परफ्यूम मारता है तो हमको खुद को खुशबू नहीं आती है दूसरों को आती है क्या व्हाट अ वंडरफुल परफ्यूम आपने पहना डाला आपने बदन पे है ना करके तो आई लाइक आई लव परफ्यूम्स वे एवर वॉन्ट्स टू गिव मी गिफ्ट यू कैन गिव मी परफ्यूम्स एंड अरोमा देयर आर डिफरेंट फ्रेगरेंसेस अरोमा में भी खुशबुओं में भी अलग अलग फ्रेगरेंस है जैसा कि हम जस्मिन का मारते हैं या कुछ और मारते हैं सैंडलवुड का मारते हैं यू नो देयर आर डिफरेंट फ्रेगरेंसिस ओके एंड ऑल द फ्रेगरेंसिस आर नॉट द सेम एंड ऑल ऑफ देम दे डोंट स्मेल द सेम सही बात है ना हर खुशबू जो है वो अलग-अलग स्मेल मिलता है है ना और सबको अलग-अलग खुशबू की लाइकिंग पहचान है अलग-अलग है एंड एवरीवन डोंट लाइक द सेम स्मेल अगर एक ही जैसा सबको खुशबू Uh, पसंद आता था एवरीबडी वुड है सेम काइंड ऑफ परफ्यूम अलग अलग आदमी का अलग अलग चॉइस होता है, है Are you with me? अभी हम लोग वचन पे आएंगे वर्ड ऑफ गॉड आई ऑल एक्साइटेड वॉट इज द वर्ड ऑफ गॉड टॉक्स अबाउट अरोमा परमेश्वर क्या बोलता है अरोमा के जरिए वॉट गॉड इज ट्राइंग टू टॉक टॉक अबाउट अरोमा बिल्ट एंड ऑल्टर टू द लॉर्ड एंड टू समी क्लीन कैन यू से मनुष्य जानवर को साफ सुथरा जानवर को नोवा ने नोवा मालूम है कौन है नोवा वो जो व्यक्ति था जिसकी जिसकी पूरी परिवार बच गया था बोट में पूरा दुनिया डूब गया था इंडिया से लेके अमेरिका तक हकीकत बात है हा? पूरा पर, खुदा ने देखा कि दुनिया पे सब प्रॉब्लम चल रहा है पूरा दुनिया को डुबाया और एक ही व्यक्ति अच्छा था उसका नाम था नोवा उसका और परिवार और उसके साथ जितने भी जानवर थे सारे बच गया उसने बड़ा नाव बनाया था नाव मीनिंग बोट बनाया था ये स्टोरी मालूम है नहीं मालूम तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप लोग चर्च आते रहो ताकि आप लोगों को स्टोरी के बारे में स्टोरी पे स्टोरी सुनना सुनने मिलेगा ओके okay? मैं उस स्टोरी पे नहीं जा रहा हूं मगर पानी जब सूख गया पूरी दुनिया में नोआ ने पहली बार क्या किया नोआ ने एक 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 वेदी बनाया क्या बनाया वेदी ऑल्टर बनाया किस लिए परमेश्वर के लिए किस लिए परमेश्वर के लिए बोलो परमेश्वर के लिए एंड टुक सम क्लीन एनिमल उन्होंने अच्छा जानवर चुना एंड सम ऑफ एवरी क्लीन बर्ड पक्षियों को लेके वो भी वो भी साफ सुथरा पक्षिया ऑफर्ड बंट ऑफरिंग उनको जलाया टू द ऑल्टर वेदी पे एंड वेन द लॉर्ड स्मेल द प्लीजिंग अरोमा परमेश्वर ने देखा उसको ये अरोमा जो है उसको खुशबू पसंद है कई के लिए क्योंकि उसने क्लीन एनिमल निकाला था और क्लीन बर्ड्स को निकाला था बहुत जरूरी बात है जब हम परमेश्वर को हमारा आराधना अभी आराधना यही नहीं कि संडे को ही जो हम लोग गाते हैं अच्छा म्यूजिक बजाते हैं वही आराधना है। हमारा ट्वेंटी फोर बाई सेवन में जब क्रिश्चियन हूं जब अगर मैं सच्चा परमेश्वर को जानता हूं तो मेरा परमेश्वर जो है वो हमारा हर मेरा लाइफ को एक हमारा आराधना समझता है आराधना खाली चर्च में आने के टाइम पे ही उतना ही वर्शिप इज नॉट ओनली इन द चर्च प्रीज बट माई लाइफ स्टाइल एवरी डे दूमेंट आई अप इन द मॉर्निंग आई आई गो टू स्लीप डू जो भी मैं करता हूं वो मेरा आराधना है किसके लिए परमेश्वर के लिए और परमेश्वर वो आराधना को फॉर दैट ही लुक्स एट एंड लुक ये इज इट अ क्लीन और अनक्लीन जैसा कि मैं झूठ बोलता हूं तो आराधना में क्या आता है बधुआ आता है जब मैं सच बोलता हूं आ, मेरा बच्चे ने अच्छा सच बोला उसने प्राइस टोल्ड द ट्रूथ उसको पसंद आता है, हार्ड aroma, aroma. और, और परमेश्वर उनके दिल में कहता है देखा उन्होंने नोआ को कहा वैसा आज हम यह अगर वचन मेरे लिए मैं रोज की जिंदगी में मैं ये चलाने के लिए इफ आई वांट माय गॉड टू बी हैप्पी विथ मी इफ आई वांट माय फैमिली टू गो वेल इफ आई वांट माय फाइनेंस टू गो वेल इफ आई वांट माय चिल्ड्रेन टू स्टडी वेल इफ आई वांट माई बिजनेस टू डू वेल इफ माई आई वॉन्ट एवरीथिंग टू गो वेल इन माई लाइफ देन आई हैव टू हैव अ क्लीन वर्शिप एंड गॉड अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आज से शुरू करो लेट्स बिगे गॉड इंगदर ऑपरचुनिटी टू अनदर चांस फॉर मी फॉर यू फॉर एवरी वन इन दिस रूम दो ऑन ऑनलाइन जो लोग सुन रहा है और जो कभी भी ऑनलाइन यूट्यूब सुनेगा वी हैव टू टेक अ डिसीजन ना That I am going to be a true worshipper of the living God and वो वर्शिपर है जो मैं बिना झूठ बोल के सुबह से लेके शाम तक मेरी आराधना जो है परमेश्वर के लिए मेरा कर्तव्य जो है वो कर्तव्य जो है मेरा आराधना जो है परमेश्वर के लिए ये ऐसा होगा it will be clean और मेरा परमेश्वर and he will bless you amen अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और आपको नहीं मालूम और आप बाद में इधर जा रहा है उधर जा रहा है ये पास्टर के पास जा रहा है उधर जा रहा है ये 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 बाबा के के पास पास जा 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 रहा 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 है 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 पंडित मंदिर में इधर मेनबत्ती चला रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है क्योंकि देर समथिंग रॉन्ग है सोल्यूशन सोल्यूशन इज विद इन यू दैट यू हैव टू स्टार्ट अ डे दैट यू हैव टू से गॉड आई वॉन्ट टू बी अ ट्रू वर्शिप एंड माई वर्शिप विल प्लीज यू एंड इट विल बी अ रो बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल लाइज स वन वन नाइन से कहता है द लॉर्ड कॉल मोज एंड स्पोक टू हिम परमेश्वर हमारे लिए सच्चा अरोमा ही टू हैव अ गुड अरोमा अ स्मेल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मेल एंड गॉड इज गेटिंग ही वॉन्ट्स अ गुड अरोमा फ्रॉम अज सो ही प्लान हाउ टू डू इट Many of us, when we become Christians, we don't know how to worship God. So, when I have to, as a Christian, the Bible says ten commandments that I should not do idol worship. If I, have, if I was not a Christian, I would be doing idol worship. But when I became Christian, when I, somebody gave me a Bible in my hand, I started reading ten commandments. Now I know that I am not supposed to do idol worship. God has given us a plan how to do it How to worship him How to adore him How to love him If I am a Christian I came to know now That I am not supposed to have mm, Wife not more than Two Somebody said two Yeah sure uh, one, uh, one Miguel is very One 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 Not more than one Amen So here God gives a god gives a instruction the lord called moses and spoke to him from the tent meeting now see this there used to be a tent the same name we have kept here for, the, for our church tent meeting saying speak to the people of israel musa ko ko batao just i'm telling you to my tent uh, people who have come here speak to the people of the tent से दे टू देम वेन एनी वन ऑफ यू ब्रिंग अ ऑफरिंग टू द लॉर्ड अगर कोई भी आप जिधर आते हैं आपका ऑफरिंग डब्बे में डालने के लिए और ऑफरिंग डालने से पहला अगर आप किसी से नाराज है पहला उससे जाके आप मांडोली करो और बाद में इधर जाके अगर आप नाराजी से इसके अंदर डाल दिया सो योर ऑफरिंग विल स्टे मैन सो यू हैव टू सी दैट योर ऑफरिंग शुड बी क्लीन यू शैल ब्रिंग योर ऑफरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक फ्रॉम द हर्ड और फ्रॉम द फ्लॉक इफ हीज ऑफरिंग इज अ बर्ट ऑफरिंग फ्रॉम द हर्ड ही शाल ऑफर अ मेल विदाउट ब्लैमिश विदाउट ब्लैमिश यानी कि पाप के बिना वो जानवर के ऊपर क्या होना चाहिए था मेल विदाउट स्पॉट ओके देर इज नो मेल विदाउट स्पॉट हु कैन ब्रिंग एन ऑफरिंग एनीबडी हु सेल्स अ गोट कोई भी आपका मेंड्रा अगर बेचता है और वो व्यापारी है वो कौन है डू यू थिंक दैट अ व्यापारी दैट बिजनेस मैन विल टेल द ट्रूथ दैट ये बकरा बिना बिना दाग वाला है हंड्रेड बोल सकता है वो तो बोलेगा ही कि ये बकरा बेस्ट है इसलिए बकरे की कीमत होती है नहीं तो सारे बकरे एक कीमत का होता था क्यों कीमत है दस हजार का है बीस हजार का है अठारह हजार का एक लाख क्यों है वाई इज ही वाई इज डिस्टिंग प्राइस डिफरेंस दैर बिकॉज ही वॉन्ट टू से दैट ये इसके अंदर थोड़ा दागे इसके अंदर थोड़ा दागे मगर किसी के अंदर भी सारे कितना भी महंगा बकरा होने दो तो उसके अंदर नुक्स है

इसलिए उसने उनके एकलौता पुत्र को कुआरी के अंदर पैदा किया हालेलुया इसलिए उसने कुआरी के अंदर पैदा किया सो दैट दैट जीसस वुड नॉट हैव अ स्पॉट जीसस वुड नॉट हैव अ स्पॉट इसलिए गॉड ऑफ साइन टू टेल अस ही शाल ब्रिंग इट टू द एंट्रेंस ऑफ द टेंट मीटिंग जो भी आप लेके आएंगे आराधना करने के लिए वट एवर तुम्हारा योर वेरी लाइफ स्टाइल आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मनी आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर लाइफ स्टाइल टू चेंज हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होना चाहिए अगर मैं मैं पोनोग्राफी पिक्चर देखता था तो अभी मैं पोनोग्राफी पिक्चर देखना बंद कर रहा हूं क्योंकि मैं मसीह में आ गया अगर मैं झूठ बोलता था तो मैं झूठ बोलना बंद करूंगा क्योंकि अभी मैं मसीह में आ गया क्योंकि मेरा मसीह बोल रहा है कि आई शुड ब्रिंग एन ऑफरिंग टू गॉड विदाउट 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 यानी कि दाग के बिना लुयाल ब्रिंग इट टू द एंट्रेंस एंड ऑफ द मीटिंग दैट ही मे बी एक्सेप्टेड बिफोर द लॉर्ड अगर आपने आपका कुछ भी जीवन का पूरा जो परमेश्वर को आप बेच रहे हो देख रहे हो देन गॉड इज गोइंग टू बीज गोइंग टू बी हैप्पी विथ यू ही शाल ले हीज हैंड ऑन द हेड

From one to nine, you must go and read this because we don't have much time to read all this. The fragrance brings anointing. fragrance When I bring my offering unto God, and if it is a pleasing aroma to God, that particular fragrance, that particular fragrance bring anointing on us both look both say, i I'm, I'm not able to worship god today i'm not able to read the bible today i'm not able to do this i'm not able to do that because you're not able to do that because you have not offered your offering to god with a clean mind and there is no anointing on you when when oil when when, when fragrance if there is a story here a story here matthew 26 6 13 and now jesus had bethany द हाउस ऑफ साइमन ये मसीह जब बैतनी गांव में था एक सीमाओं करके उसका लैपर का घर पे वुमन केम अपन फ्लास्क वेरी रिक्लाइंड एट रिक्लाइंड रिक्लाइंट मसीह ऐसा बेटेला था उधर ओके किसके घर पे था साइमन के घर पे कौन साइमन साइमन द लेपर यानी कि उसको लैपरस ही था एक साइमन एक लेप्रेसी वाला था वो वो लेप्रेसी से चंगा हो गया स्टिल उसको नाम रखा गया साइमन द लेपर जैसा बहुत लोग बोलते हैं ना सरपंच तो आ, गया दस साल पहला वो निकल गया था स्टिल उसको क्या बोलते हैं सरपंच बोलते हैं सेम साइमन द लेपर वुमन केम, एक ले, ले के एक औरत आई उसके घर पे एलेबस्टर फ्लास्क लेके अ वेरी एक्सपेंसिव अटमेंट एंड शी पोर्ड इट ऑन इज एड किसके सर पे डाल दिया एशु के सर पे डाल दिया ओके, एंड एंड व्हेन द इट, के ने देखा, सरप्राइज हो गया, क्यों रहे, ये सारा इतना महंगा वाला परफ्यूम उसके सर के ऊपर डाल दिया और क्यों वेस्ट किया फॉर गिवन टू पुअर बट जीज अवेयर ऑफ दिसम वाई डू यू ट्रबल The woman, for she has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, but you will not always have me. In pouring this anointment on my body, she has done to prepare me for burial. Truly, I say to you, wherever this gospel is proclaimed, the proc uh, is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. When that anointment came, it, there was a anointment uh, there there was a, there was a anointing which came upon Jesus. when, when, when you bring a good when, when, when you bring a good offering it becomes a good aroma to God L listen very carefully hein? when you bring a good offering aapka, 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 aap offering, jab leke aate ho, मैं बोलना चाहता हूँ ऑफरिंग खाली पैसा नहीं हमारा पूरा जिंदगी हमारा अच्छा ऑफरिंग होना चाहिए व्हेन आई ब्रिंग अ गुड ऑफरिंग टू गॉड एंड आई एम से गॉड माय बॉडी इज ऑफरिंग टू यू मेरा शरीर मेरा मन मेरा सब कुछ आपके लिए है ही व्हेन ही लुक्स एट इट एंड एंड ही से अरोमा फ्रेग्रेंस और वो तुम्हारे पे क्या लाता है ही ब्रिंग्स ही गिव्स यू अनॉइंटिंग मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ मैं बोलता हूँ परमेश्वर को हमारे कलिशा में अनोइिंग आने दो हमारे कलिशा में मूर् आंधा देखने दो जब अनोइिंग आता है तो चमत्कार होने दो आई एम प्रेइंग टू गॉड दैट गॉड विल आंसर आ प्रेज फॉर दैट हमारा लाइफ सही होना चाहिए लाइफ सही होता है तब अनडिंग अच्छा आता है ओके okay? फ्रेगरेंस ब्रिंग्स फॉर जब हमारा हमारा फ्रेगरेंस परमेश्वर को जाता है फ्रेगरेंस परमेश्वर को जाता है तो परमेश्वर हमसे माफी करता है द लेडी हु ब्रॉड वन मोर स्टोरी हियर एक औरत ने एक और एक औरत ने यीशु जब यीशु मसीह जब सिसों के साथ था किसी के घर पे उन्होंने इसी तरह खुशबू वाला फ्लास्क लेके आया और उसने उनके पैरों के ऊपर डाला और से अपने हाथों से माथे से उसने वो पैर को साफ किया पोंछा और सेम चीज उधर भी कहा गया यार ये, ये 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 जो है ये धार्मिक आदमी है और ये जो है पापी औरत है ये पापी औरत के साथ ये क्या कर रहा है करके बहुत लोगों ने उसको जज किया मगर ये औरत को अनॉइंटिंग ऑइंटमेंट जब उन्होंने लाया परफ्यूम महंगा वाला उसके ऊपर क्या मिला उनको फॉरगिवनेस जब मैं जब मैं मेरा जीवन को ऑफरिंग लाता हूं परमेश्वर के पास मेरा 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 ऑफरिंग में जब क्लीन एनिमल का ऑफरिंग यानी कि सच्चाई का मेरा ऑफरिंग लाता हूं मैं उसके ऊपर मेरे को क्या आता है परमेश्वर का वो 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 ऑफरिंग को वो देखता है और एन ही लुक्स एट इट एन ही मेरा लड़का सही तो क्या फॉरगिवनेस लाता है सो वेन वेन गॉड व्हेन वेन आई बिलीव जब मैं विश्वास करता हूं जब परमेश्वर मुझे माफ करता है और जब मुझे विश्वास हो गया है, मेरे को परमेश्वर ने माफ किया है देन आई स्टार्ट फॉर गिविंग मैनी पीपल से आई आई विल फगीव बट आई विल नॉट फॉर इज एज गुड एज यू हैव नॉट फ बहुत लोग कहते हैं कि मैं माफ करता हूं मगर मैं भूल नहीं पाता हूं मैं माफ कर सकता हूं मगर मैं भूल नहीं पाता हूं इसका मतलब तुमने उसको माफ नहीं किया क्योंकि तुमने उसको माफ नहीं किया क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम तुम तुमको परमेश्वर ने माफ किया है बिकॉज वी आर होल्डिंग ग्रजिज हम लोग गुस्सा लेके बैठा है कभी का दस साल का पास्टर ने ऐसा बोला था पंद्रह साल का वो पास्टर ने ऐसा बोला था ने ऐसा बोला था वो इतना साल का मेरे पति ने ऐसा बोला था मेरे इसने उसने बोला था वो मरने के बाद भी उसका हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग बख्शता नहीं मर वो मर गया डफन हो गया फिर भी वी आर होल्डिंग आज आपके लिए मौका मिल रहा है कि गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू आई मैंने तुम्हारा पाप बख्शा है

और फ्रेग्रेंस ब्रिंग हैप्पीनेस अच्छा खुशबू क्या लाता है खुशियां लाता है और फ्रेग्रेंस ब्रिंग व्हाट हैप्पीनेस इधर इधर ना ये ये, ये टेंट के अंदर दो साल पहला ना एक 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 किधर से भी एक रास्ता था चूहा आने के लिए और वो चूहा ना आता था और किचन ना कुछ सत्यानाश करके जाता था और इधर मेरा कुछ भी खा, उसने खाया भी है और मैं इतना परेशान था उस चुहे को बंद मतलब कैसा बंद करने का फिर बाद में मैं मैंने ना वो मेरे को जो होल नहीं मिल रहा था किधर से वो आ रहा है फिर मैंने एक ट्रैप लाया वो ट्रैप ना उधर खाने जाएगा ना वो ढपा करके वो ए ऑन द स्पॉट वो मर जाता था अच्छा वो ट्रैप तो मैंने रख दिया था अगर वो ट्रैप में फंस गया अगर मैं दो दिन के बाद इधर नहीं आया तो उसको चुहे को कीड़ा पड़ जाता था और ऐसा हो गया मैं भूल गया कि ट्रैप रखा करके एक हफ्ते के बाद मैं इधर एंट्री मारा बाप रे, उसके ऊपर चुवाने था किड़, आका किड़ा बन गया था वो। और इतना अच्छा बदबू स्टिंक वो बदबू था इधर फिर बाद में हम लोगों को स्प्रे मारना पड़ा संडे को सर्विस के दिन पब्लिक बोल रहा है। ये ये मिक्स वाला खुशबू को समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों सा खुशबू है क्या या बदबू है तो इट वॉज नॉट अ वेरी प्लीजिंग था सब जान उस दिन संडे को तो अच्छा फ्रेगरेंस क्या लाता है ये और एक औरत तीन ऐसे लोगों ने ऐसा किया है एक और एक औरत ये मैरी है आ, नहीं नहीं मारता मैरी लाज जो है वो मरने के बाद वो लोग ओ, ओ, उसको तीसरा दिन फिर से क्या किया यीशु ने क्या किया उसको थर्ड डे अब टेका पोतुन जीवंत करला कोणा लाजारोसा ती हैप्पी झाली एंड तेमी पार्टी दोली पार्टी दिसाते मी जे जो अनॉइंट केलो ऑयल मारुन ओके यू मस्ट रीड दिस जॉन 12 1 टू 3 जॉन 11 39 40 कहता है जीसस सेड टेक अवे द स्टोन अच्छा अभी जभी अगर समझो लुक एट दिस हं मैं कोशिश करता हूं मगर फिर भी मेरा कोशिश में मेरा फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है मेरा क्या है बदबू बदबू आता है बदबू आता है मैं कोशिश कर रहा हूं मगर मेरा जीवन में चेंजेस नहीं हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं और परमेश्वर बोल रहा है यार ये मेरा बेटा ये मेरा बेटी का जो भी करता है तो उसके अंदर से अरोमा आने के जगह पे क्या आता है बदबू आता है।, है ना होता है कि नहीं हाँ मैं भी स्ट्रगल करता हूँ ना आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग नॉट पास्टर है तो उसका हर चीज वो आरुमाई हो जा रहा है नहीं, नहीं। बदबू भी जा रहा है मेरा भी मेरा भी बदबू जा रहा है तो मेरे लिए किसकी जरूरत है यशु की जरूरत है इधर एक फर्स्ट क्लास स्टोरी है ये ने लाजरस को तीसरा दिन जाके उनको मिला उसकी बहन लोग ने क्या बोला वो तो मर गया अभी उसको क्या आता होगा लिखा है टेक अवे द स्टोन यशु ने कहा मार्ता को बोला टेक अवे बट सिस्टर ऑफ द डेड मैन लाजरस का सैड टू हिम लॉर्ड बाई दिस टाइम दे विल बी नो फॉर ही हैज बीन डेड फॉर फोर डेज चार दिन के लिए वो मरा हुआ है ओके जीजस सैड टू हर डिड आई नॉट टेल यू दैट इफ यू बिलीव्ड यू वुड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड यशु बोल रहा है आप बोल रहे यशु मसीह को मैं मरा हुआ इंसान हूं चार दिन से मैं मर के मेरा मेरा बदबू आ रही है मेरा जो भी मैं करने जा रहा हूं वो आपको अरोमा जा रहा है मर यशु बोल रहा है बेटा मेरी बेटी तेरे से नहीं तो कितना भी लाख कोशिश करेगा कि तेरे मर्जी से वो नहीं होने वाला हो है तुम लोगों को क्या लगता है कि जो भी गॉड इज प्लीज विथ आर अरोमा बिकॉज इट इज दैट बिकॉज आई एम डूइंग गुड नो हम लोगों से आई वॉन्ट टू टेल ऑल माई डियर फ्रेंड्स दो स्ट्रगलिंग टू गिव गुड अरोमा टू गॉड हिंदी में बोलता हूं मेरे भाई और बहनों मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं जो लोग स्ट्रगल हो रहा है स्ट्रगल यानी कि कोशिश कर रहा है परमेश्वर को तुम्हारे कर्तव्य में से अच्छा खुशबू देने के लिए आप कोशिश कर रहा है एंड कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कोशिश कर रहा है हो नहीं रहा निराशी मत हो बिकॉज यू कैनॉट डू एनीथिंग गुड इन यू विदाउट द हेल्प ऑफ जीजस आपको घुमा फिरा के यशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा बिकॉज ही विल हेल्प यू टू डू गुड थिंग्स बिकॉज ही इज ब्लड क्लेंस उसका खून जो है वो हमें साफ करता है क्योंकि उनके खून में नुक्स नहीं था दाग नहीं था जब वो जब सुली पे चढ़ा तब वो मरने के टाइम पे उन्होंने हमारा पाप का याद किया तो एवरी टाइम वेन आई ट्राई टू डू गुड थिंग इन माई लाइफ आई मस्ट रिमेम्बर दैट बीट आई कैनॉट गो टू गॉड आई कैनॉट प्लीज इम अरोमा विथ माई ओन अकॉर्ड आई हैव टू और हिम्मत नहीं हारना चाहिए और बार बार ये बोलना नहीं चाहिए कि यार मेरे से नहीं हो रहा है मेरे से नहीं हो रहा है no. मैं कर सकता हूं। मेरे परमेश्वर को मेरा कर्तव्य में से आई विल ट्राई टू गिव अ गुड आरोम ये जो लाजरस जो है उसको मुर्दों में से जिंदा किया चौथा दिन मगर इधर से बदबू नहीं आई मार्ता ने क्या कहा चार दिन से वो अंदर है और क्या आ, आएगा उसमें से किधर लिखा है हा बाय दिस टाइम दे विल बी एन ऑर्डर इधर उधर से खुशबू नहीं आएगा मगर ऑर्डर आएगा फॉर ही हैज बीन डेड फोर डेज जीसस सेड टू हर डिड आई नॉट टेल यू दैट इफ यू बिलीव्ड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड अगर आप विश्वास करेगा इस वक्त आपके कर्तव्य में से आप सोचते होंगे यार मैं कल ही पोनोग्राफी या पिक्चर देखा मैं आज कैसा मैं अच्छा बन सकता हूं हाँ बन सकता है आज आप रिपेंट हो जाओ नहीं यार कल ही मैंने आ, किसी को झूठ बोला यार मैं आज कैसा अच्छा बन सकता हूं हाँ बन सकता है इफ यू रिपेंट बोलना चाहिए मन में कि मन में आ किसी को बोलने ज़ोर से मत बोलो बाजू वाले को पता चलेगा तुमने कल गलत मूवी देखा था करके मन में बोलो परमेश्वर मैंने कल गलत मूवी देखा था कल मैंने गलत वीडियो देखा था मैं माफ़ी चाहता हूँ आज के बाद में नहीं देखेगा मुझे शक्ति दो कि मेरा फ्रेंड ने कभी लिंक भी भेजा तो मैं उसको डिलीट करेगा क्योंकि वो लिंक लिंक के टाइम में ना पता चल जाता है थोड़ा सा तो कि ये गलत है करके तो और ये कभी कभी बहुत बार क्या होता है वही फ्रेंड ना वही से ही वीडियो भेजता है तो मालूम पड़ गया कि वो फ्रेंड तुमको भेजता है।, अच्छा है उसके साथ अच्छा पुराना क्या ये यू डॉट टू कट द फ्रेंडशिप बट यू डोंट टू सी सेंडिंग टू यू और उसको बोलना चाहिए बाबा ये नहीं, नहीं करना चाहिए यार देन यू मस्ट ब्रिंग हिम टू द चर्च में लाना चाहिए उसका ताकि उसका उसका जिंदगी चेंज होने के लिए दैट इज योर ड्यूटी उनकी uh, तो यू यू मस्ट से टू योरसेल्फ गॉड हेल्प मी आई आई डिड एस वेरी बैड कल मैंने बहुत गलत काम किया जो किसी को नहीं मालूम सिर्फ मुझे और आपको मालूम है बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग परमेश्वर को सब मालूम है वो हर जगह हर जगह हर समय मौजूद है वो सब कुछ जानता है वो सब कुछ जानता है वो वो, वो सर शक्तिमान है ये गॉड इज वन एक ही परमेश्वर है और वो सब के बारे में जानता है तो मेरे बारे में वो जानता है मैं अंधेरे में क्या करता हूं उजाले में क्या करता हूं मैं कहा उठता हूं मैं बैठता मैं किधर जाता कि सब कुछ मेरे बारे में जानता है तो मैं कैसा अच्छा बन सकता हूँ यू कैन बिकम गुड यू हैव टू यू हैव टू रिपेंट जोर से बोलो रिपेंट बोलेगा तो मन फिराओ रिपेंट का मतलब जैसा तू जा रहा था मड़गांव तो टोटल यूटर्न लेके जा रहा है तू जा रहा है वैरना टोटलीटन totally समझा उसको बोलते हैं रिपेंट। सो यू हैव टू रिपेंट। तू गलत काम करने जा रहा था, करता था, उसके अंदर डूबा पड़ा था अपने आपको बोलता था मैं कितना कोशिश करता हूं यार मैं वही वही किचड़ में पड़ रहा हूँ नहीं आपको कौन हेल्प करेगा ये मसीह